समय आप दे सकें 10 मिनट 15 मिनट उस तक तो ठीक है, बहुत पहले रोक देना अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि इमरजेंसी वाहनों जैसे एम्बुलेंस आदि के बिना रुकावट निकलने के लिए कोई समाधान सोचना चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए। ये एक केवल मेरे बारे में नहीं है, मुख्यमंत्री जी भी जब ट्रैवल करते हैं, राज्यपाल महोदया भी ट्रैवल करती हैं, इस प्रकार की बातें होती हैं। यदि आवश्यकता हो, मैं अपनी ओर से कह रहा हूं, यदि आवश्यकता हो तो हम जैसे लोगों के जो कारकेड हैं उनको रोक करके भी एम्बुलेंस वगैरह को आप आगे निकाल सकते हैं। लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए केवल प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसके लिए जो सड़क पर वाहन चालक हैं और जो हमारे नागरिक हैं उनको भी ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए प्रशासन को सहयोग देना पड़ेगा। आज हम सब लोग देखते हैं जब ट्रैफिक रुकता है तो हर किसी को लगता है कि हमें आगे से आगे निकलना है। एक गाड़ी के पीछे हम नहीं खड़ी करते, उस अनुशासन को हम भूल जाते हैं। ट्रैफिक रूल कहता है कि एक गाड़ी के पीछे यदि आपकी गाड़ी आ रही है तो आप रुक जाइए। नहीं, हम रुकते हैं, जरा सा भी हमें जगह मिलेगी तो हम अपनी गाड़ी को आगे निकालना चाहते हैं। ट्रैफिक रूल्स अलाउ नहीं करते। इसीलिए मैं अनुरोध करता हूं आम जनता से भी कि जब वीआईपीस के मूवमेंट होते हैं सुचारू रूप से आपका भी मूवमेंट हो, उन सबका भी मूवमेंट हो, इसके लिए हम सब मिलजुल करके इस जिम्मेदारी को निभाएं। मुझे लगता है कि इससे कुछ न कुछ एक अच्छा रास्ता निकलेगा। मैं एक बार फिर आप सबको आपके स्कूल के हीरक जयंती वर्ष के